नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ के अजमत ब्लॉक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में आजमगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय प्रकाश गुप्त को मुख्य अतिथि बनाया गया है। देशभर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने किसान अन्नदाता भाइयों को 9,000 परिवारों में 18,000 करोड़ किसान सम्मान निधि की सहयोग धनराशि प्रदान की है। बता दें कि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रेष्ठ आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती है, जो सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। ऐसे में पुण्य दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अन्नदाता किसान भाइयों से अपील किया है कि किसी के बहकावे में ना आए और हम कटिबद्ध हैं कि अपने अन्नदाता मालिकों की आय दोगुनी कैसे करें। इसके लिए सतत नए कानून का सहयोग ले रहे हैं, जिससे हमारे अन्नदाता की आय दोगुनी हो सके। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सचिदानंद सिंह और संयोजक अरविंद गुप्ता व संचालक चंद्रशेखर सिंह मौजूद रहे। जब हम बोलेंगे भारत की शान, तो आप सबने बोलिएगा जय जवान जय किसान। भारत की शान, भारत की शान, जय किसान। आज 25 दिसंबर अटल जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका जयंती समारोह का भी दिन है। और आज ही के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी